स्विच के अंदर हम जानेंगे कि कैसे विलेन क्रिएट किए जाते हैं। विलेन बेसिकली क्या होता है, एक वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, एक ही लोकल एरिया नेटवर्क को डिफरेंट डिफरेंट अदर स्प्लिट करना, अदर लोकल एरिया नेटवर्क में स्प्लिट करना, मतलब एक ही स्विच को दो या तीन स्विच में जितना चाहे हम स्प्लिट करना कहलाता है हमारा वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो अभी हम चेक करेंगे। बेसिकली हमारा स्विच क्या होता है, एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, ये हमने सिस्टम लिए, तीन पीसी लेते हैं फिलहाल, तीन पीसी को हमने कनेक्ट किया। ये हम जानते हैं ऑलरेडी कि हमारा जो स्विच है वो OSI मॉडल की लेयर टू डिवाइस है जो एक ही नेटवर्क पे काम करता है, स्विच पर कौन सेम नेटवर्क डेटा। अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल हम एक नेटवर्क लेते हैं 192.168.0.0, इस नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्विच में, इसमें कंप्यूटर में, तो इसको दे दिया 192.168.0.2 IP, इसको दे दी मैंने 192.168.0.3 IP, इस सिस्टम को दे दी, और 192.168.0.4 IP मैंने इस सिस्टम को प्रोवाइड कर दी। अभी सिस्टम में मैं कॉन्फ़िगर करूँगा IP 192.168.0.2 विद सबनेट मास्क, राउटर है नहीं तो गेटवे की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अभी 192.168.0.3 सबनेट मास्क 255.255.255.0, और इसको दूंगा मैं 192.168.0.4, ठीक है। अभी इनिशियली ये नॉर्मल स्विच है, मैंने इसमें कोई वीलन क्रिएट नहीं किया, मैं चेक कर सकता हूँ और मैं बताऊँ कैसे चेक करते हैं। इनिशियली मैं इस सिस्टम से बाकी अदर सिस्टम को पिंग करके चेक करता हूँ, पिंग 192.168.0.3, तो मेरा डाटा जा रहा है। इनिशियली स्विच का यही काम है कि उसके पास कोई भी डाटा पैकेट आएगा वो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। अब मैं इसमें वीलन क्रिएट करूंगा। वीलन में क्या होगा कि जो ओनली वीलन के अंदर सिस्टम आएंगे उसमें आपस में कम्युनिकेशन होगा, और जो वीलन में नहीं होंगे उनमें नहीं होगा। तो ये चेक करते हैं। सबसे पहले मैं स्विच को लॉगिन करूंगा, कमांड लाइन में गया। कमांड लाइन में जाने के बाद में उसके जो कॉन्फ़िगरेशन मोड आएंगे, सबसे पहले इनेबल इनेबल किया मैंने, और कॉन्फ़िग, अभी मैं यहाँ चेक करके दिखाता हूँ आपको। कमांड है सो वीलैन ब्रीफ, इस कमांड में अभी इसमें ओनली डिफॉल्ट वीलैन है, जो स्विच के सारे पोर्ट हैं वो उस वीलैन के अंदर आ रहे हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी मैं इसमें से कुछ पोर्ट अगर दूसरे वीलन को असाइन कर दूंगा तो वो पोर्ट इससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अभी मैं इसके लिए एक वीलन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए कमांड है, सबसे पहले कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाऊंगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल वीलन, जो वीलन आपको क्रिएट करना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 10 नंबर का वीलन क्रिएट करना चाह रहा हूँ और इसको कुछ नेम देना चाह रहा हूँ मैं, मान लो कि मैंने कंपनी दे दिया नाम इसको, और एक वीलन दे दिया मैंने जिसको नेम दे दिया मैंने एम्प्लॉय। मैंने वीलन आईडी क्रिएट किया है और उसका नेम, अभी मैं चेक करूंगा वही कमांड डू सो वीलन ब्रीफ, तो यहाँ मैं चेक करूंगा कि एक 10 और 20 के कंपनी और एम्प्लॉय नाम के दो विलेन यहाँ पे क्रिएट हो गए, बट अभी इसके अंदर कोई पोर्ट असाइन नहीं है, यहाँ पे अभी कोई पोर्ट असाइन नहीं है, तो मुझे अभी सबसे पहले एक पोर्ट असाइन करना पड़ेगा इनको। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि इंटरफेस 01 इंटरफेस को विलेन 10 के अंदर रखूँ और इंटरफेस 3 को मैं विलेन 20 के अंदर रखूँ, तो यहाँ से एग्जिट किया,
इंटरफेस सेलेक्ट करूँगा, इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इंटरफेस F0/2, इसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इस पोर्ट का मोड एक्सेस करूंगा और उसको VLAN 10 के अंदर रखूंगा कमांड से, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, इसको 20 के अंदर रखता हूँ। अभी मैं चेक करूंगा डू सो VLAN ब्रीफ कमांड से, तो यहाँ 10 के अंदर इंटरफेस F01 आ गया है और 20 के अंदर इंटरफेस F02 आ गया है। अभी ये इस स्विच के अंदर डिफरेंट 3 VLAN हैं जिसके अंदर पोर्ट असाइंड है, 20 और 10 में 1 और 2 पोर्ट है, तो मैं अभी कम्युनिकेशन करके देखता हूँ 1 और 2 का। पिंग 192.168.0.3, तो मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट VLAN हो गए, ये VLAN 10 में आ गया पोर्ट और ये VLAN 20 में आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक 03 वाला सिस्टम है, इसको मान लो VLAN 10 के अंदर मैं दे देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंटरफेस F0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अभी पहले चेक कर लेते हैं कि 4 का इनमें से किसी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 को पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.0.4, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है इसको क्योंकि वो डिफरेंट VLAN हो गए। तो मैं इसको कॉन्फिगर करूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में दे देता हूँ मान लो, तो 03 इंटरफेस भी मैंने किस में दे दिया, आपका VLAN 10 के अंदर। अभी मैं चेक करूंगा सो VLAN से, तो यहाँ पे आपके इंटरफेस 1 और 3 ये VLAN 10 के अंदर आ गए। पिंग करके चेक करूंगा मैं उसको, पिंग 192.168.0.4, तो मेरा ये एक्सेस हो रहा है आप देख सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि हम कैसे VLAN क्रिएट करते हैं और VLAN के उसको कैसे ID प्रोवाइड करते हैं, नेम कैसे देते हैं एंड उसको हम पोर्ट असाइन कैसे करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट VLAN के अंदर अब एक्स्ट्रा स्विच को कैसे ऐड किया जाता है। धन्यवाद।